यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। Figure shows a boy pulling a wagon on road. List as many forces as you can which are relevant with the figure. Find the pair of forces connected to Newton's third law of motion. ठीक है, तो मैं दो चीजों का FBD बना देता हूँ, वेगन और आदमी का, है ना। ठीक है, चलो आदमी का बनाते पहले ना। कैपिटल एम जी नीचे लगेगा, है ना, दो पैर की जगह एक ही पैर मान लो यार, है ना। इसको अपने एक बॉक्स मान रहे हैं, तो एक ग्राउंड के कारण नॉर्मल ऊपर लगा, लेट से एन वन। ठीक है, ये इतनी स्ट्रिंग में आदमी के साथ FBD में इंक्लूड कर रहा हूँ ना, इतनी स्ट्रिंग में मैं इतने पार्ट का FBD बना रहा हूँ। ये जो जो स्ट्रिंग शोल्डर और हैंड के बीच में, इसको मैं आदमी के साथ मान रहा हूँ। तो इधर की रस्सी इसको T4 से नीचे खींच रही होगी, तो देखो आदमी पे यही तीन फोर्स लग रहे हैं mg। अच्छा हाँ, चल रहा होगा तो फ्रिक्शन है ना। अब देखो फ्रिक्शन कैसा लगेगा वो डिपेंड कर रहा है ना, असलियत में जब हम चलते हैं नॉर्मली तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और वो कभी आगे लगता है कभी पीछे लगता है, तभी हमारी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। बट हम अपना एक केस खुद क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना, तुम खुद इसमें तुम बहुत सारे केसेस बना सकते हो, हर केस के अलग अलग आंसर आएंगे ना। तो ये डिस्कशन के क्वेश्चन है। लेट से आदमी आगे के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है ना, वैगन भी आगे के डायरेक्शन में। तो आदमी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे के डायरेक्शन में लगेगा, एंड दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। ठीक है ना, दौड़ रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। जिन बच्चों ने अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा उनको शायद वाली चीज समझ में नहीं आएगी, तो वो फ्रिक्शन फोर्स को अभी के लिए इग्नोर मार सकते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको ना, आगे जाके पढ़ेंगे ना, जब फ्रिक्शन आएगा तब तुम इन चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, चलो, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा ना, इतने ही फोर्सेस और कोई फोर्स लग नहीं रहा ना। चलो वैगन का एफबीडी बनाते हैं। मान लो वैगन का मास है एम डैश, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे तुम्हारे, है ना। एम डैश जी नीचे लगेगा, है ना। नॉर्मल की बात करें, इधर से एक नॉर्मल लग रहा है एन वन मान लो, इधर से एक नॉर्मल लग रहा है एन टू लग रहा है। ठीक है, चलो, है ना। हाँ, और भाई इधर से टेंशन टी लगेगी, है ना, सेम रस्सी में सेम टेंशन रहती है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या। हाँ, फ्रिक्शन लगेगा इसके, जो भी लगेगा फ्रिक्शन लगेगा ना। फ्रिक्शन कैसा लगेगा, अब वो बहुत खतरनाक वेरिएबल होता है ना, पर अपन मान लेते हैं ना फिलहाल के लिए, है ना, मान लो, है ना। बहुत सारी कंडीशन है, वो तुम रोलिंग में पढ़ोगे जब अपन रोटेशन पढ़ेंगे, कौन सा फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन कब क्या लगता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, वो अपन रोलिंग से पहले नहीं बता सकते ना, जब तक रोटेशन नहीं पढ़ोगे। बट लेट से हमने मान लिया ना अभी के लिए F1 F2 दो फ्रिक्शनल फोर्सेस हमने मान लिए। ठीक है, तो ये हमारे भाई FBD है, ये सारे के सारे फोर्सेस है ना। अब किस किस को न्यूटन के थर्ड लॉ से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये TOT है ना। अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा, मैं खुद ही पूछता हूँ ना बना बना के, जो है ना, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। नहीं, नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे इनको एक्शन रिएक्शन पेयर समझ सकते नहीं है, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है भाई, क्यों, इस ये दोनों बराबर है डायरेक्शन अपोजिट, पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है न्यूटन के थर्ड लॉ के। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो रस्सी है ना, जो जो रोप आदमी को टी फोर्स से खींच रही है, तो इसका रिएक्शन होगा, देखो अगर ए बी पे फोर्स लगाएगी तो बी ए पे लगाएगा, तो रोप मैन पे लगा रही है तो इसका रिएक्शन होगा मैन रोप पे लगाएगा। अगर मैं इस रोप का FVD बना दूं, अगर मैं इस रोप का FVD बनाऊं ना, अगर मान लो मैं इस रोप का FVD बना दूं, तो इस पे आदमी टी फोर्स यहां पे लगा रहा है, वैगन टी फोर्स यहां पे लगा रही है ना। ठीक है, तो इस टी का रिएक्शन ये टी है, और इस टी का रिएक्शन ये टी है। मतलब अगर स्ट्रिंग वैगन पे टेंशन लगा रही है, तो वैगन भी स्ट्रिंग पे टेंशन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये चीजें तुम गलत कर सकते हो ना, जब तुम्हारा डिस्कशन नहीं होता तो ये चीजें गलत कर देते हैं और गलत कंसेप्ट बना लेते हैं ना, तो इसलिए वेरीफाई करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, चलो, और कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढ सकते हैं, है ना। अगर वो एमजी अर्थ लगा रही है ना, तो इसका रिएक्शन अर्थ पे हो जाएगा, है ना, इसका रिएक्शन भी अर्थ पे हो जाएगा, है ना। ग्राउंड मैन पे N1 लगा रहा है, तो मैन ग्राउंड पे N1 नीचे लगा देगा। फ्रिक्शन लगा रहा है, तो फ्रिक्शन लगा देगा ना। तो आई थिंक अब तुम खुद ही समझ गए ना, खुद ही समझ गए वाली चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं।